नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज कल की बात है, मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था, मैंने देखा कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा हमारे यादव समाज को गाली दी जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ वीडियो शायद आपने देख लिया होगा। अब वीडियो देखने के बाद आपको कुछ लगा होगा कि आखिर हमारे समाज के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां क्यों की जा रही हैं, और वो भी जमीनी स्तर पर। सोशल मीडिया का माध्यम होता था, मैं देखता रहता था कि हाँ होता है, मेरी तरफ से होता है, उनकी तरफ से होता है, लेकिन हमारे संस्कारों ने हमें रोक रखा है कि हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं। और जब मुद्दा आता है समाज का, कि समाज में जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं और देश में ऐसा माहौल बनता है जब उन वीर जवानों को गाली दी जा रही हैं जिन्होंने रेजांगला जीता, कारगिल जीता, ऐसे बड़े बड़े युद्ध जीते जिन्होंने, स्वतंत्रता के बाद की बात करें, स्वतंत्रता की पहले की बात करें, जिन्हों का एक छत्र राज हुआ करता था इस भारतवर्ष पर, संपूर्ण विश्व पर, आज उस जाति के लोगों को गाली दी जा रही है। आज हमारे यादव समाज की जात समाज के व्यक्तियों को गाली दी जा रही है, और वो भी खुले मैदान में गालियां दी जा रही हैं, वो भी करणी सेना के राजपूत संगठनों द्वारा। वैसे आज बात करनी चाहिए थी राव तुलाराम जी की जयंती है, उनकी जयंती पर सशस्त्र नमन करना चाहूँगा। और बात तो राव तुलाराम जी की जयंती की करनी चाहिए थी, लेकिन मुद्दा उठता है कि हमारे यादव समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं उनका जवाब कौन देगा। मेरे मन में तो सवाल उठ रहे थे कि भाई मैं जवाब दूँ, लेकिन एक तरह से सोचने पड़ गया भाई कि जब दो दिन होते जा रहे हैं और अभी तक किसी भी संगठन ने इस मुद्दे को ऊपर नहीं उठाया और इस मुद्दे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे यादव समाज के संगठनों ने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं कहा कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो भाई हम मामूली से लोग, गरीब परिवार के लोग, हम क्या कर सकते हैं? और अभी हमारी उम्र ही क्या है कि इन काम में उतरे, फिर भी हम समाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को विगत कराया था कि मैं इन कामों से अभी दूर हो गया हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा सामने आया तो मुझे सहा नहीं गया और मेरा खून खोल उठा इस तरह की वीडियो देखने के बाद। हो सकता है आपका भी खून खोला हो, लेकिन आपका खून पानी हो चुका है, क्योंकि आप लोग जब जमीनी स्तर पर काम नहीं कर सकते तो आप यादव सरनेम नहीं लगा सकते, इस यादव सरनेम लगाने के लायक नहीं हैं आप। एक बात हमेशा याद रखना, जब जब यादवों पर टिप्पणी हुई है ना, तब तब देश को नुकसान हुआ है। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, वरना हमारे संगठन तो शांत बैठे ही हैं, और हम लोगों का अगर इस देश में इतना बड़ा अपमान हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, और हमारे उन नेताओं को बोलना चाहेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को बोलना चाहेंगे, नेताओं को बोलना चाहेंगे, जो जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर समाज से मतलब नहीं तो अपना सरनेम चेंज कर लें, कहीं के भी नेता हों, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हों। और सामाजिक संगठन बनाने का क्या महत्व आपका, क्यों संगठन बनाते हो जब समाज के लिए काम नहीं करते? मैं देखता हूँ जब ये मुद्दा उठा तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर सब उथल पुथल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जमीनी स्तर पर अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया। आखिर क्यों? या तो ये हमारे समाज के लोगों से डरते हुए हैं, या कोई और मुद्दा हो सकता है कि किसी समाज। और ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि भाई करणी सेना का संगठन हम लोगों से बहुत मजबूत संगठन है, हमारे यादव संगठनों से, सभी संगठनों से बेहतर संगठन है। करणी सेना का जो संगठन है, राजपूता का जो संगठन है, वो हमारे यादवों के संगठनों से कई गुना बेहतर है। उनमें एकता है, कम जरूर है, लेकिन उनमें एकता है। और तुम्हारा महत्व नहीं है कि तुम इतने बड़े समाज के लोग हो कि अगर तुम लोग अगर एक बार मुंह दोगे तो सारे राजपूत बह जाएंगे। कहने को तो मेरा मन बहुत कुछ कर रहा है कि चालों को गाली दें क्या करें, लेकिन एक तरह से रह जाता हूँ कि जब हमारे बड़े बड़े संगठन के लोग, जब इतना बड़ा संगठन बनाए हैं, इतने लोगों को जोड़े हैं, जब वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं कौन सा कहने वाला हूँ भाई। लगातार प्रयास हमारे जारी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को विगत कराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि किस तरह से हमारे सामाजिक
संगठन कितने कमजोर पड़ चुके हैं, कोई संगठन इतना मजबूत नहीं है कि जो इनका सामना कर पाए। आखिर क्यों, कम से कम ये काम तो आप लोग कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र के थाने में, हर राज्य के थाने में कम से कम एक FIR दर्ज करवाएं, हर राज्य में FIR दर्ज करवाएं। और हमारा काम सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जगाना है, और हमारी इतनी अभी उम्र नहीं है कि भाई हम लोग आप लोगों के अपने समाज के लिए जमीनी स्तर पर कर सकें, क्योंकि अभी हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं। सक्षम होने के लिए टाइम है, अभी प्रयास है, और समाज की लगातार प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की हम मानसिकता देखना चाहते हैं कि सभी कभी कभी यादव सोशल मीडिया पे यादव स्वयं डाल दे, भाई यादव हैं, वीर हैं, ये भी हैं, वो हैं। तो आप लोगों की आज ज़रूरत है भाई कि आज एकता दिखाएं और अपने अपने क्षेत्र में एक एक कम से कम FIR दर्ज जरूर कराएं। लेकिन सभी लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई क्या करें, कोई संगठन बड़ा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती बड़े संगठनों की है, क्योंकि अगर जब तक बड़े संगठन साथ नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज के लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्हें एक लीडर चाहिए होता है। जब तक समाज में कोई लीडर ना हो तब तक कि हमारा काम अधूरा रहता है। तो अगर आप लीडरशिप करना नहीं आता आपको, तो किसी और को दे दीजिएगा, वो लीडरशिप करें, या तो पद से त्याग पत्र देते हैं जब आपको पद के हिसाब से काम करना नहीं आता, समाज के प्रति काम करना नहीं आता। और उन्हें नोटिस करना चाहूँगा कि तुम लोगों के बारे में बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ सालों, लेकिन बद्ध हूँ, हमारे समाज में एकता नहीं है, कारण बहुत कुछ है। अगर सहयोग मिलता आप लोगों का तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा डर रहा हूँ, तो डर ही रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। मैं टीकमगढ़ जिले से हूँ, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से नेता हैं यादव समाज के, जो यादवों के नाम पर वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन यादवों के लिए काम नहीं करना चाहते। सभी नेताओं को बोलना चाहता हूँ, टीकमगढ़ जिले के हों या निवाड़ी जिले के हों या छतरपुर जिले के हों या कहीं के भी, कम से कम समाज के लिए कुछ तो करो अगर वोट चाहिए। हमने देखा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि दूसरे समाज के लोग हमारे लिए जमीनी स्तर पर खड़े होने के लिए तत्पर हैं, और हमारे समाज के ही लोग, हमारे ही लोग जमीनी स्तर पर काम करने से पीछे हट रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहते। वो लोग सोच रहे हैं कि ये काम कोई और करे, हमें ना करना पड़े, कोई और करे, करेगा कोई, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई नहीं करेगा, ये सोचो। बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी, अगर श्री कृष्ण के वंशज हो ना तो वीडियो शेयर जरूर करना, कम से कम इतना तो हक है तुम्हारा कि शेयर कर सकते हो वीडियो, ठीक है, क्योंकि जमीनी स्तर पर करना तुम्हारे लिए बस की बात नहीं है। जमीनी स्तर पर तुम लोग डरते हो, क्योंकि अगर वीडियो शेयर करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भाई हम तुम्हें सांत्वना देना चाहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वीडियो शेयर जरूर।